तो जो बादल फटा था इस गजेरे में फटा है। केदारनाथ में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों को 2013 का वो खौफनाक मंजर याद आ गया, जब आसमानी आफत ने ऐसी तबाही मचाई थी जिससे पूरा देश हिल गया था। दरअसल केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के भीमबली में बादल फट गया, जिससे यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड और सोनप्रयाग में बड़ी तबाही हुई। पैदल मार्ग पर कई दुकानें भी आपदा की भेंट चढ़ गई। पहाड़ों पर बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। केदारनाथ यात्रा पैदल यात्रियों के लिए रोक दी गई है। कुदरत जमकर कहर बरपा रहा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में दो पुल थे, लेकिन अब उनका नामो निशान भी नहीं बचा। ये रास्ता केदारनाथ धाम जाने का है। यहाँ भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगती है, लेकिन इस समय यहाँ सिर्फ मलबा ही बिखरा पड़ा है। ये तस्वीर देखिए, कैसे रस्सी के सहारे जंगल के रास्ते लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 250 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। NDRF, SDRF की टीम मुस्तैद है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर भी उतार दिए हैं। सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का 100 मीटर हिस्सा मंदाकिनी नदी में बह गया। भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे कई जगहों पर वॉशआउट हो गया है, जिसके बाद जगह जगह यात्री फंस गए हैं। ऐसे ही हालात उत्तरकाशी के भी हैं। उत्तरकाशी के विष्णुपुर में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया है। JCB की मशीनें लगी हुई हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बारिश के बाद से लगातार अलग अलग घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं बादल फट गया तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। इस वक्त उत्तरकाशी में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी के बिशनपुर इलाके की, जहाँ पर आप देखिए कि दो दो JCB मशीन के जरिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जा सके, क्योंकि ये इकलौता ऐसा रास्ता है जो कि उत्तरकाशी को गंगोत्री से जोड़ता है। और आप समझिए कि गंगोत्री जो तमाम श्रद्धालु जा रहे हैं, वो उनका पूरा रास्ता बंद है। जो लोग गए हुए हैं वो पीछे अटक गए हैं, वो उत्तरकाशी नहीं आ पा रहे हैं, और इसी तरीके के हालात जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि इसे जल्द से जल्द खोला जा सके, लेकिन बीती रात करीबन 8-8:30 बजे के आसपास जब बारिश के बाद मलबा नीचे आया, और तभी से ये पूरा रास्ता जो है वो बंद है। 12 घंटे बीत जाने के बाद भी रास्ता अभी पूरी तरह से नहीं खुल पाया है। ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी लैंडस्लाइड की घटना इस जगह पर हुई है। केदारनाथ की ही तरह उत्तराखंड के गंगोत्री धाम के भी हालात खराब हैं। गंगोत्री धाम में भी बर्बादी का तांडव मचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि तबाही सिर्फ गढ़वाल मंडल में ही मची है, बल्कि कुमाऊं मंडल में भी जल का तांडव झेल रहा है। ये तस्वीर है ऐतिहासिक जागेश्वर धाम की है। अल्मोड़ा से स्थित इस धाम में सावन के महीने भक्तों की भारी भीड़ लगती है। बड़े मेले का आयोजन होता है, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। भारी बारिश से जटागंगा नदी उफान पर है, पैदल पुल बह गया। अब लेकर ध्यान दें, गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। आप लोग, आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप बैठ के ही स्नान करें बाल्टी या मग से। उत्तराखंड में हो रही बारिश पर प्रशासन की नजर है। खुद CM पुष्कर धामी एक्शन में है। धामी ने पहले आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और फिर प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उत्तराखंड में आने वाले दिन खतरे वाले हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, इसलिए उत्तराखंड में इस वक्त सावधानी ही एकमात्र बचाव है।